एक 22-23 साल का एक लड़के ने आत्महत्या कर ली, जिनका नाम है अमन बैसला भाई। और ये आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो बनाते हैं और जिसमें वो बताते हैं कि वो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, ऐसा स्ट्रिक्ट कदम क्यों उठा रहे हैं, और साथ ही साथ यही बताते हैं कि जो वो कदम उठा रहे हैं वो बहुत ज्यादा गलत है। और इन्होंने जो वीडियो बनाई है वो बहुत ही एक सभ्य तरीके से लोगों के सामने अपनी आवाज रखी है। इतना मानसिक टॉर्चर सहने के बावजूद भी इन्होंने अपनी उस वीडियो में किसी को भी कुछ गलत नहीं कहा, बल्कि हर किसी के लिए यही कहा कि हाँ भाई ठीक है, तुम आगे बढ़ो, अच्छी बात है। बट अपने दर्द भी उस वीडियो में बताए हैं कि भी लोगों ने, जो दो लोग इन्होंने अपने नाम लिए, एक तो सुमित गोस्वामी, एक नेहा जिंदल, जिन्होंने इनको टॉर्चर किया पैसों के लिए, मोलेस्टेशन के चार्ज लगाने के लिए इनको बार बार प्रेशर किया। तो इन सब चीजों का इन्होंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। और हैरानी की बात तो ये है कि यार एक लड़के ने सुसाइड कर ली और इस बात की खबर किसी भी न्यूज चैनल पर नहीं दिखाई गई, किसी ने कुछ नहीं बोला। अरे बोलना तो छोड़ो, जो नीचे न्यूज चैनल के नीचे जो एक स्ट्रिप सी आती है, एक पट्टी सी आती है जहां पर वन लाइन न्यूज चलती रहती है, वहां पर भी इस चीज का जिक्र नहीं हुआ। और ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इन न्यूज चैनल्स को इस न्यूज से कोई भी टीआरपी नहीं मिलने वाली थी। इस न्यूज से किसी भी चैनल को, चाहे वो राइट लेफ्ट या कोई भी विंग का हो, उसको इस न्यूज से ना तो कोई पॉलिटिकल अपनी रोटियां सेकने को मिलती, ना ही इनसे कोई टीआरपी मिलती। आखिर एक लड़का मरा है तो मरे यार, कोई लड़का मरता है तो मरने से कोई फर्क थोड़ा पड़ जाता है, क्योंकि लड़के की जान की कोई भी अहमियत नहीं है। अब ये बात सुनकर लोग, बहुत सारे जो लोग हैं वो ये कहने पे आए मुझे कमेंट बॉक्स में कि यार तू लड़कियों से नफरत करता है, तू लड़कियों की परवाह नहीं करता। यार ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूं कि यार जो जान होती है वो एक लड़का और एक लड़की दोनों के बराबर होती है। अगर एक लड़की की जान जाती है तो उसकी न्यूज सिखाई जाती है कि उसकी जान चाहे कैसे चलेगी, तो एक लड़के की जान जाती है तो उसको भी इंसाफ और उसको भी इक्वालिटी के साथ न्यूज चैनल के ऊपर दिखाया जाना चाहिए था। अपनी आधे घंटे लंबी इस वीडियो के अंदर अमन वैसला भाई ने सारी वो चीजें बताई कि कैसे एक नेहा जिंदल नाम की एक लड़की ने उनसे पहले 2.5 लाख रुपए, फिर 5 लाख रुपए, फिर से 5 लाख रुपए और उनकी एक जो वरना गाड़ी है वो सब कुछ ले लिया। और जब वो रुपए मांगने पर आए तो उनका जो एक साथी है, कि मतलब जो नेहा जिंदल का जो साथी है सुमित गोस्वामी, इनको धमकी दे रहे हैं, इनके साथ गाली गलौज सब कुछ के बकायदा इस चीज का इन्होंने अपनी वीडियो के अंदर वो कॉल रिकॉर्डिंग सब, वो ब्लैंक चेक, आधार कार्ड, वो सब कुछ इन्होंने इसके अंदर दिखाया है। और हद तो तब हुई जब लड़की अपने कपड़े फाड़ कर, अपनी बाजू फाड़ कर, जब अमन वैसला भाई को ये कहती है कि मैं तेरे ऊपर मोलेस्टेशन का चार्ज लगा दूंगी, तू मतलब इतना इतना नीचे गिर गए ये लोग पैसों के लिए, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर आप लोग इनकी वीडियो देखोगे आधे घंटे की तो, और इसको ध्यान से सुनोगे और विचार करोगे तो ये पाओगे कि यार इनका कितना विश्वास उठ गया था, अमन बैसला भाई का कितना विश्वास उठ गया था इस सिस्टम से, इस कानून से। क्योंकि उनको पता था कि कोई भी लड़की अगर 375 सेक्शन या फिर एक मोलेस्टेशन का चार्ज, अगर झूठा चार्ज भी लगा देती है तो कानून बिना पूछे उस लड़के से कि उसने किया नहीं किया, या फिर मतलब उसकी कोई भी पक्ष बिना सुने उसको उठाकर सीधा अंदर लेके चले जाते। और रही बात मीडिया की, वो मीडिया तो भाई साहब कोर्ट से भी आगे है, वो तो इस लड़के और इस लड़के के परिवार की इज्जत का चीरहरण ही कर डालते। मतलब कोर्ट का फैसला आया नहीं कि उससे पहले ही अपना फैसला दे देते कि हाँ भाई इसने किया है, ये ऐसा ही होगा। और तुम सोचो यार ऐसा नहीं होता तो एक दिल्ली का एक उदाहरण है आपके सामने, बहुत टाइम पहले एक ऐसी चीज हो भी चुकी है जिसमें एक लड़की की पूरी तरीके से जिंदगी बर्बाद हो गई थी, जिसको उसको कभी भी कोई जॉब भी नहीं मिली। इवन अगर आप सर्च भी करोगे तो आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि वो कौन सा लड़का था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर लड़की जो है वो झूठा केस डालती है या हर लड़का जो होता है वो बेकसूर होता है, मेरा यहां कहने का मतलब बिल्कुल अलग है। मैं ये कहना चाहता हूं यार जो लड़के इस तरीके की घटनाओं का शिकार होते हैं तो उनकी जिंदगी तो एक तरीके से पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई होती है। समाज उन्हें बिल्कुल गलत नजर से देखेगा, उनके परिवार के बारे में गलत गलत बातें करेगा, इवन उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति एक अलग ही दृष्टि से देखने लगेगा। उनके घर परिवार की जो बेटियां हैं उनको अलग ही, मतलब यार कैसी सोच बन जाती है समाज की। इवन वो बिना लड़के का पक्ष सुने कि उसने किया या नहीं किया, वो गलत है या सही है, बिना ये जाने। और मीडिया तो मैंने आप लोगों को कहा था, वो तो कोर्ट से भी आगे पहुंच जाती है और अपना फैसला सबसे पहले सुना देती है और जनता को डिलीवर भी कर देती है, और बार बार ऐसे चिल्ला चिल्ला कर ये कहते हैं कि हाँ भाई इसी ने किया। तो यार तुम सोच सकते हो यार कि किस मानसिक प्रेशर से गुजरे हैं अमन बैसला भाई, जिन्होंने इतना स्ट्रिक्ट कदम उठाया। और एक बात जो कड़वी है बट सच्चाई है उस बात में, कि अगर अमन बैसला भाई अगर सुसाइड नहीं करते तो उनको अपने आप को सही साबित करने में सालों लग जाते। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने जो सुसाइड किया वो सही है, यार मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहता हूं कि किसी भी समस्या का मतलब कि हल जो होता है वो सुसाइड या उससे भाग कर ही निकाला जाता है।
पर आज जब उस इंसान की बातों को सब सीरियसली क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो आज इस दुनिया में नहीं है। अगर वो आज इस दुनिया में होते और जब इन्होंने अपनी वीडियो अपलोड की थी, जो वीडियो में बताया था कि भी हाँ भी उनके साथ कैसे कैसे फ्रॉड हुआ है, कैसे उनको मोलेस्टेशन के चार्ज को, मतलब मोलेस्टेशन को लेकर उनके ऊपर चार्ज की बात की जा रही है, तो कितने सारे जो लोग जब वो जिंदा होते, कितने सारे जो लोग हैं उनकी बात पर यकीन करते, इवन जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके नजदीक हैं, उनके करीबी हैं, उनमें से कई कोई एक आधा उनके ऊपर शक करने पर आ जाता, और बाकियों की तो बात तो दूर की रह गई। बाकी तो बस यही मानते ना कि भाई यहाँ लड़की जो है वो सही है, लड़का हमेशा गलत ही होता है। यहाँ पर लड़की ने दो तीन आंसू बहाए और लोगों को लगा कि हाँ यार लड़की ने कुछ नहीं किया। हाँ लड़का जरूर गलत हो सकता है यहाँ पर। देखो हमें महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, जो बच्ची होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि हम अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाएं कि हमारे जो आसपास जो महिला है, बच्ची है, लड़कियां हैं, वो हमारे आसपास हो तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। लेकिन एट द सेम टाइम अगर किसी लड़के ने कुछ नहीं किया, एटलीस्ट उसे अपनी बात रखने का तो मौका मिले। और जिनका भी नाम लिया गया है, एक नेहा जिंदल और एक सुमित गोस्वामी, और सुमित गोस्वामी जो है वो बहुत बड़ा सिंगर है, एक बात इस चीज से स्पष्ट होती है कि यार जो सक्सेसफुल होता है जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा होता है और उसी को आइडल मानकर उसी के मतलब उससे इंस्पायर हुआ जाए। ऐसे लोग ना ज्यादा टाइम तक नहीं चलते यार। घमंड तो रावण तक का भी नहीं रहा था जो इतना शक्तिशाली था, ये तो एटलीस्ट इंसान है। एट दी एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि यार देखो यार अमन बैसला भाई जैसे कितने सारे जो लोग होंगे उनको भी ऐसी टॉर्चर किया जा रहा होगा, तो उनके लिए एटलीस्ट कुछ ऐसा कानून या फिर ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि भी हाँ भी उनकी मदद के लिए या फिर मीडिया को उनकी आवाज़ उठानी चाहिए ताकि वो ऐसे कड़े फैसले ना उठाएं या फिर ऐसा गलत रास्ते पे ना जाएं कि वो अपनी जिंदगी को ही मतलब खत्म कर ले। यार 22-23 साल उम्र होती भी क्या है, उसके सामने कितनी ज्यादा उम्र पड़ी थी, उनके माँ बाप पर क्या बीतती है जरा सोचो यार। उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक चांद सिंह राजपूत सर है उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, उनके केस को ऐसे गोल गोल घुमाया जा रहा है, तो उनके केस मतलब जो वो हैं, मतलब जो अमन बैसला भाई हैं, तो उनके केस को अब क्या होगा। और देखो यार मेरा कोई ये मकसद ये नहीं था कि ये वीडियो जो है किसी के इंसान ने अपनी सुसाइड कर ली तो किसी की डेथ होने के ऊपर मैं ये वीडियो बनाऊं और सब्सक्राइबर या फिर लाइक्स या शेयर ऐसे कुछ गेन करूं। मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। अगर मेरा ऐसा कुछ मोटिव होता भी ना तो रिया चक्रवर्ती के जितने ड्रग्स के मामले चले थे या दीपिका पाडुकोण इतने जो ड्रग्स के मामले आए थे उन पर वीडियो बना बनाकर मैं व्यूज या सब्सक्राइबर ऐसे कुछ कर सकता था, बट ऐसा नहीं किया। ये बात इसलिए उठाई, इसलिए मेरा मन किया ये बात बोलने का क्योंकि यार मैंने कहीं पर भी ये न्यूज़ नहीं सुनी किसी के मतलब न्यूज़ चैनल पर। मैंने क्या कहा स्टार्टिंग के, एक जो स्ट्रिप नीचे जो चलती है, एक पट्टी जो चलती है, इवन वहाँ वहाँ पर भी इस बात का जिक्र नहीं। और जहाँ देखो मतलब एक सोशल मीडिया था जिसके थ्रू मुझे इस बात का पता चला, जहाँ से मैंने सर्च किया, जहाँ मैंने वीडियो देखी, यार कैसा मीडिया हो गया यार। हर एक टॉपिक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार तुम बस ड्रग्स के मामले को दिखाते रहो, बट एटलीस्ट जो चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है यार। कोई इंसान सुसाइड करता है, क्यों सुसाइड की, क्या रीज़न था, उसको इंसाफ मिलना होता है और ये लोगों के लोगों तक तो पता चलेगा कि हाँ ये रीज़न था, तभी लोगों को पता चलेगा और लोग अपने आप को अवेयर रख पाएंगे। तो बस यार इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। आई होप सो अमन बैसला भाई को जल्द ही इंसाफ मिले और उन लोगों को सख्त से सख्त सजा हो जिन्होंने जिनकी वजह से अमन बैसला भाई को ये सख्त कदम उठाना पड़ा या वो इतने मानसिक रूप से इनको टॉर्चर किया गया। तो बस आज के लिए इतना ही था वीडियो में।